घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते के किनारे जो है मुझे ये सफ़ेद रंग के फूल देखने को मिल गए और ये शंखपुष्पी का पेड़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए कि शंखपुष्पी को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये प्लांट कहाँ पे होता है, प्लस इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में जब भी इंसान के दिमाग को तेज करने की बात होती है, दो औषधि की बात आती है, एक आती है ब्राह्मी, दूसरी आती है शंखपुष्पी। ये शंखपुष्पी है, ब्राह्मी के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि शंखपुष्पी आपको मिलेगी कहाँ पे और इसे पहचानना कैसे। शंखपुष्पी अक्सर आपको रोड के किनारे, पथरीली ज़मीनों पे, सूखे स्थानों पे अक्सर आपको ज़मीन से चिपकी हुई दिख जाएगी। सफ़ेद रंग के फूलों से बड़े आराम से आप इनको पहचान सकते हैं, लेकिन आप प्रयास ये करिए कि इनको आप मॉर्निंग के टाइम में ढूंढिए, कि मॉर्निंग के टाइम में इनको ढूंढना थोड़ा सा आसान होता है। शाम के टाइम में इनके फूल बंद हो जाते हैं, तब इनको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मॉर्निंग के टाइम पर आपको सफ़ेद रंग के फूल ज़मीन से चिपके हुए दिखेंगे, तब आप इनको पहचान सकते हैं। करीब जाने पे इनकी पत्तियों में आपको बहुत बारीक बारीक से आपको रोएं दिखेंगे सफ़ेद रंग के, छोटी छोटी इस तरह से पत्तियां होंगी। इस तरह की पत्तियों और उनके फूलों से बड़े आराम से आप इनको पहचान सकते हैं। शंखपुष्पी के पेड़ के पत्ते, तना, फूल, जड़ सभी भागों का औषधीय रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर आपके आसपास ये पेड़ दिख जाता है तो उसको आप अपने गार्डन में ला करके जरूर लगाइएगा। अगर आपके आसपास नहीं मिलता, कहीं आप बाहर घूमने गए हैं वहाँ पे आपको पेड़ दिख जाता है, वहाँ से ला करके अपने गार्डन में आप इसे जरूर ला करके जगह दीजिएगा, क्योंकि ये औषधि बहुत ज़्यादा कारगर है। मार्केट में इसके चूर्ण, इसके सीरप्स बहुत महंगे रेट्स में बेचे जाते हैं और उनकी भी सियोरिटी नहीं होती कि वो उतने प्योर हैं कि नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपने गार्डन में हम खुद उगाएँ, खुद के गार्डन से उगा करके हम इनका यूज़ करें। देखिए, जो प्लांट भारतीय मूल के होते हैं उन प्लांट का नाम जो होता है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। तो मैं कुछ नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप इस पौधे को पहचान रहे हैं और अगर आपके यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कोई और नाम से जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके यहाँ पे इस किस नाम से आप इस पौधे को जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि शंखपुष्पी के फायदे क्या हैं। देखिए, सिंपल भाषा में बोलूँ तो दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको समझ में आती है वहाँ पर आप शंखपुष्पी का यूज़ कर सकते हैं। शंखपुष्पी से आपको देखने को मिलेगा। डिटेल में अगर बात करें तो आप अगर मेमोरी पावर आपको बूस्ट करनी है, किसी के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इनको पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन इनको याद नहीं रहता है, उनको आप शंखपुष्पी दे सकते हैं। इसीलिए अक्सर बच्चों को शंखपुष्पी और ब्राह्मी के सिरप आते हैं वो दिए जाते हैं। तो शंखपुष्पी के प्रयोग आप दिमाग को बूस्ट करने के लिए तो कर ही सकते हैं, याददाश्त को बूस्ट करने के लिए तो कर ही सकते हैं। शंखपुष्पी के चूर्ण को आप शहद और शक्कर मिला करके डेली सुबह देते हैं अपने बच्चों को तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही साथ किसी को अगर मिर्गी हो रखी है तब उसको आप शंखपुष्पी के चूर्ण को जो है शहद के साथ दें, मिर्गी में लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी को उन्माद यानी कि पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो वहाँ पे आप शंखपुष्पी का पंचांग का रस निकाले, पंचांग यानी कि पूरे के पूरे पेड़ को उखाड़ना है, जड़ सहित पत्ते फूल सब के साथ उसको कूट लेना है। कूट करके जो रस निकलता है उसे आप किसी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसे पिलाएं, उसका दिमाग शांत रहेगा। गाय के दूध के साथ शंखपुष्पी के चूर्ण, शंखपुष्पी के रस का सेवन आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज करने वाला है। कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद भी 7-8 साल के होने के बाद भी वो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। ऐसे बच्चों को आप शंखपुष्पी को दूध के साथ जो है रात में सोने के पहले यूज़ कराएं, इनको बिस्तर में पेशाब करने वाली समस्या दूर हो जाएगी। और यही नहीं, आजकल कई रिसर्च तो थायराइड में भी शंखपुष्पी के यूज़ से लाभ का दावा करते हैं। किसी को अगर बार बार उल्टी की समस्या हो रही तो आप शंखपुष्पी के पंचांग यानी कि वही फिर से फूल पत्ते जड़ तने सब मिला करके उसको पीस लें। पीसने के बाद उसका रस निकाल लें एक चम्मच, उस रस में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा शहद मिला करके दें, बार बार उल्टी की समस्या दूर हो जाएगी। किसी को सर्दी खांसी हो रखी है, किसी को बुखार हो रखा है, उसको भी आप शंखपुष्पी के चूर्ण, शंखपुष्पी के रस को जो है दे सकते हैं। अगर आपको रात में किसी भी वजह से नींद कम आती है, नींद नहीं आती है, तब भी आप शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। आप रात में सोने से पहले दूध के साथ शंखपुष्पी चूर्ण या फिर शंखपुष्पी के रस को दूध के साथ लें, आपको रात में अच्छी नींद आएगी। किसी भी वजह से आपको अवसाद रहता है, बहुत ज़्यादा काम की वजह से टेंशन रहती है, तनाव रहता है, तब भी आप शंखपुष्पी का प्रयोग करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के वर्क लोड वाली लाइफ की वजह से सभी में तनाव बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत से लोगों को तनाव होने लगा है। तनाव की वजह से बहुत से रोग भी होते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह सब तनाव की वजह से ही होते हैं। और अगर आपको भी तनाव रहता है, किसी को भी तनाव रहता है, तो वो शंखपुष्पी का प्रयोग जरूर करें। तो इसीलिए छोटे बच्चे ही नहीं, छोटे बच्चों के दिमाग की शक्ति तो बढ़ाता ही है, बड़ों को भी शंखपुष्पी का नियमित प्रयोग करना चाहिए। अगर उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है काम की वजह से, बिजनेस की वजह से, शंखपुष्पी का प्रयोग उन्हें जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग इस पौधे को भी शंखपुष्पी का फूल बोल देते हैं क्योंकि इनकी बनावट जो होती है शंखपुष्पी की तरह होती है, लेकिन दोनों के साइज में काफ़ी अंतर होता है। शंखपुष्पी के फूल का साइज बहुत छोटा होता है। आई होप आपने शंखपुष्पी के पौधे
पौधे को अच्छे से पहचान लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रोड ट्रिप पे निकलिएगा तो रोड के किनारे देखते हुए जाइएगा, कहीं पे आपको मॉर्निंग के टाइम में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से फूल आपको जमीन में चिपके हुए दिख जाते हैं, तो उसे आप देखिएगा जरूर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।